स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश जिसे पृथ्वी का जन्नत कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। अगर कोई एक बार यहाँ चला गया तो उसका कभी यहाँ से वापस आने का मन नहीं करता। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये देश जितना ही खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा अमीर भी है। जहाँ आपको सड़क पर घूमता हर पांचवा इंसान करोड़पति दिखेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर स्विट्जरलैंड इतना अमीर क्यों है? क्योंकि यहाँ ना ही दुबई की तरह तेल निकलता है, ना ही भारत की तरह स्विट्जरलैंड के पास समुद्री रास्ता है जिसकी मदद से ये व्यापार कर सके। इन सभी परेशानियों के बावजूद ऐसी क्या वजह है कि स्विट्जरलैंड इतना अमीर देश है? चलिए जानते हैं हमारे इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, हम आपको स्विट्जरलैंड की अमीरी का राज बताएं, उससे पहले जरा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच के अंतर को जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो यही कि भारत का क्षेत्रफल स्विट्जरलैंड के मुकाबले 80 गुना ज्यादा है। स्विट्जरलैंड पूरा लैंडलॉर्ड देश है, यानी कि देश चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और उनके पास अपना कोई समुद्री रास्ता नहीं है। इसलिए अगर स्विट्जरलैंड को कोई भी बिजनेस करना हो तो दूसरे देशों से रास्ता मांगना पड़ता है। बात केवल यही खत्म नहीं होती, स्विट्जरलैंड का करीब 60% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ पर खेती के लिए जगह बहुत कम है। पर दोस्तों, इन सभी मुश्किलों के बावजूद स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी और स्टेबल अर्थव्यवस्था है। यहाँ की करेंसी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। उसके अलावा स्विट्जरलैंड बहुत ही ज्यादा महंगा देश है। अब कितना महंगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि अगर आप दिल्ली में किसी नॉर्मल होटल में खाना खाएंगे तो वहाँ एक आदमी का खर्चा 300 से 500 रुपए लग जाएगा। लेकिन अगर आप स्विट्जरलैंड में किसी नॉर्मल होटल में खाना खाएंगे तो वहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4 हजार रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पर इतनी महंगाई होने के बावजूद ये देश लगातार तरक्की कर रहा है। और इन सब चीजों की वजह क्या है, इसे जानने के लिए हमें विश्व युद्ध के समय में जाना पड़ेगा। असल में दोस्तों, जब विश्व युद्ध हो रहा था तो स्विट्जरलैंड के सभी पड़ोसी देश आपस में लड़ने मरने तक को तैयार थे। पूरे यूरोप में जैसे तबाही मच गई थी। हर इंसान सैनिक की तरह हाथों में गोली बारूद लेकर दुश्मन देश के सैनिकों को मारने के लिए तैयार था। लेकिन उस समय स्विट्जरलैंड ने अपने आप को जंग से दूर रखकर जंग में लगने वाले पैसों को अपने विकास में लगाना जरूरी समझा और दूसरे देशों से कहा कि आप जंग लड़ो, हम बिना किसी की हत्या करे दूर से सहयोग करेंगे। यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड ने दुनिया भर के देशों को अपने पैसे सुरक्षित करने के लिए स्विस बैंक में उन्हें जमा कराने का ऑफर किया। और ये विश्व युद्ध का दौर ही था जब स्विस बैंक में कई सारे देशों के पैसे जमा होने लगे, जिसकी वजह से स्विस बैंक धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत रहा था। वहीं दूसरी ओर स्विट्जरलैंड जंग लड़ने वाले देशों के सैनिकों को हथियार भी बेचने का काम कर रहा था। यानी कि जहां बाकी देश एक दूसरे को मार कर अपने पैसे बर्बाद कर रहे थे, वहीं स्विट्जरलैंड ने मौके पर चौका लगाकर पैसे कमाने का रास्ता खोज निकाला। अब ये सारी चीजें तो एक तरफ चल ही रही थी, ऊपर से जितने भी मिलेनियर और बिलेनियर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर थे, उन सभी ने जंग में इन्वॉल्व ना होकर स्विट्जरलैंड में शिफ्ट करने की सोची, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर वो सुरक्षित रहेंगे। और धीरे धीरे जितने भी अमीर लोग थे वे स्विट्जरलैंड में आकर रहने लगे। इसलिए आपको स्विट्जरलैंड में चलता फिरता हर इंसान पैसे वाला ही मिलेगा। वैसे यहाँ पर अमीर लोग केवल इसलिए नहीं आते क्योंकि ये देश उनके लिए सुरक्षित है, बल्कि यहाँ का टैक्स सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लोगों को बिजनेस करने के लिए ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती और ना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, इसलिए लोगों का अधिकतर पैसा उन्हीं के पास रहता है। प्लस जिस तरह अमेरिका में गोरे काले के पीछे आए दिन झगड़े होते रहते हैं, हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे होते रहते हैं और अरब देशों में आप जानते हैं किस तरह की लड़ाइयां देखने को मिलती हैं। पर दोस्तों, स्विट्जरलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रहने वाले लोग आपस में कभी भी किसी भी चीज को लेकर कोई दंगा नहीं करते। हमारे दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोगों से कम की आबादी वाले इस देश में आपको सिर्फ 85 लाख लोग देखने को मिलेंगे जो अपने मन मुताबिक जिंदगी जीना पसंद करते हैं। ऊपर से ये देश इतना खूबसूरत है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अब ये सारी चीजें तो इस देश को एक सुरक्षित और अमीर देश बनाती हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो इस देश को लगातार मजबूत बनाती जा रही है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, जिस देश का एक्सपोर्ट सिस्टम जितना मजबूत होता है वो देश भी इकोनॉमिक तौर पर उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। अब जैसे कि आप चाइना को ले लीजिए, जितनी भी मशीन वगैरह इस्तेमाल की जाती है उसमें लगने वाली छोटी से छोटी चीज चाइना में बनकर तैयार हो जाती है और पूरी दुनिया में भेजी जाती है, इसलिए चाइना की इकोनॉमी इतनी हाई है। हमारे देश में अगर बात करें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन इससे हमें उतना मुनाफा नहीं मिलता। पर वहीं दूसरी ओर अगर हम स्विट्जरलैंड की तरह अपनी निगाह करें तो वहां पर लग्जरियस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। शायद आपको ना पता हो, लेकिन दुनिया की सबसे मशहूर और महंगी घड़ी रोलेक्स स्विट्जरलैंड में बनती है और जो नेस्ले इंस्टेंट कॉफी आप पीते हैं वो भी स्विट्जरलैंड की ही देन है। इन सब के अलावा भी स्विट्जरलैंड के इतना अमीर होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ के लोग अपने देश के प्रति ईमानदार हैं।
जी हाँ, वहाँ पर दूसरे देशों से सस्ता सामान मंगाने से बेहतर लोग खुद से ही बढ़िया क्वालिटी की चीजें बनाना समझते हैं, और इसलिए वहाँ बहुत कम ही चीजें होती है जो दूसरे देश से मंगाई जाती हैं। वो लोग एक लिमिटेड जिंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी लिमिट में लग्जरी वो लोग खुद ही इन्वॉल्व करते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। क्योंकि वहाँ रहने वाले अधिकतर लोग अमीर हैं, वो पैसों की चिंता नहीं करते, उन्हें हमेशा क्वालिटी चीजें पसंद होती हैं, जिसकी वजह से अमीर लोग तो अच्छी जिंदगी जीते ही हैं, बल्कि वहाँ रहने वाले गरीब लोगों को भी कम मेहनत में अच्छा काम मिल जाता है। इसलिए वहाँ शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे भूखा मरने की नौबत आए। तो ये थे स्विट्जरलैंड के अमीर होने के कारण। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।